हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, हैव अ गुड डे। आप सबका दिन बहुत बढ़िया जाए। हैप्पी मॉर्निंग। तो स्टडिंग में हमेशा की तरह आपकी पर्सन की एनर्जी आज सुबह क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, फील क्या कर रहे हैं, एक्शन क्या हो सकता है उनका आपके लिए, यही चेक करेंगे। रीडिंग आपसे मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो रहा है तो जान जाना है आपके लिए बनी है, नहीं हो रही है तो ये आपके लिए नहीं होगी, ठीक है। सभी राशियों वालों के लिए है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो चलिए बिना देरी के रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज सुबह आपके पर्सन का थॉट्स, फीलिंग्स क्या है आपके लिए, एक्शन क्या होगा आपके पर्सन का थॉट्स, आज सुबह क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं आज सुबह आपके बारे में। डेथ, ओके। क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स आज सुबह आपके लिए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, इनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या है इनकी फीलिंग्स। सेवन ऑफ कप्स, क्या सोच रही पर्सन आपके बारे में। व्हील ऑफ फॉर्चून, एक्शन क्या हो सकता है इनका आज आपके लिए, आउटकम क्या होगा इस रिश्ते का, जिस तरह से मैं इस पर्सन की एनर्जी देख पा रही हूँ, आउटकम क्या होगा इस रिश्ते का। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। आपके पर्सन का थॉट्स आज सुबह आपके लिए मुझे कुछ खास सही नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पर्सन कन्फ्लिक्ट के बारे में सोच रहे हैं, कंपटीशन के बारे में सोच रहे हैं, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स, कन्फ्लिक्ट, आर्गुमेंट्स, ठीक है, उसी के बारे में मुझे कंटिन्यूसली सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच जो सिचुएशन है वो काफ़ी निगेटिव है, काफ़ी टॉक्सिक हो गया है, कंटिन्यूसली कन्फ्लिक्ट चल रहा है आप दोनों के बीच, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आगे नहीं बढ़ सकता, तो ये पर्सन एंड कर सकते हैं। ये तो इस पर्सन के साथ ऑलरेडी आपके रिश्ते का एंड हो गया है, ठीक है। काफ़ी दिनों से आप दोनों हो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, उसके बारे में मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप दोनों के बीच कंटिन्यूसली फाइट्स चल रहे हैं तो इस पर्सन की एनर्जी ज़्यादा अच्छी नहीं है आपके लिए, ये पर्सन मुझे एंड करने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये इस पर्सन को ऐसा लगता है कि एंड हो जाएगा इस रिश्ते का, ठीक है। ये अपने तरफ से पर्सन मुझे एंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके फीलिंग्स पर आते हैं, आपके पर्सन मुझे काफ़ी कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, फ्यूचर को लेकर, आउटकम को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हैं आपके पर्सन, ठीक है। काफ़ी चेंजेस आया है इस पर्सन के बर्ताव में, इनके एक्शंस में, इनके रिएक्शंस में, इनकी फीलिंग्स, थॉट्स में आपको लेकर, जो इनकी फीलिंग्स था आप खुद फील कर रहे होंगे, ठीक है। कि ये पहले पर्सन कैसे थे आपकी ओर, आपके प्रति कैसा था इनका बिहेवियर, इनकी फीलिंग्स, एक्शंस, रिएक्शंस कैसा था, अब कैसे हो गए हैं। पहले हो सकता है गाइस कि इस पर्सन ने आपको अपना प्रायोरिटी बनाया था, आपको ऐसा फील कराया कि आप इनके प्रायोरिटी हो, आप इनके ओनली वन हो, आप इनके ड्रीम हो, ठीक है, आप इनके फ्यूचर हो। और अब ये पर्सन जब कुछ करने की बारी आई तो काफ़ी कंफ्यूज हैं, ठीक है। ये काफ़ी कंफ्यूजन है, ऑप्शंस है इस पर्सन के पास, ढेरों ऑप्शंस है, ठीक है। आपको चेंजेस देखने को मिल रहा होगा इस पर्सन में, वो गुड चेंजेस भी हो सकता है, वो बैड चेंजेस भी हो सकता है। तो आप देखिए कि आपको इस पर्सन में क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है, इस पर्सन के एक्शंस, रिएक्शंस आपके प्रति कैसा है, कैसा है इनका बर्ताव आपके लिए। तो आपके पर्सन मुझे आपको लेकर कन्फ्यूज दिखाई दे रहे हैं, आपके फ्यूचर को लेकर, आपके रिश्ते के फ्यूचर को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनका डिसीजन क्या होना चाहिए, ठीक है। या तो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं ये पर्सन मुझे काफ़ी कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक जगह पर टिक नहीं पा रहे हैं, इस पर्सन का माइंड स्टेबल नहीं है राइट नाउ, ठीक है। एक्शन मुझे इस पर्सन का ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपका इंतज़ार करेंगे, आपका वेट करेंगे, ठीक है। ये अगर आप कन्फ्यूज हो, आपकी तरफ से ऑप्शन है, आपकी तरफ से किसी तरह का प्रॉब्लम चल रही है, तो ये पर्सन आपका इंतज़ार करेंगे, आपका वेट करेंगे, ठीक है। और अगर इस पर्सन ने खुद ही आपसे कह रखा है कि रिश्ते का एंड हो क्या है, ये पर्सन अपनी तरफ से एंड कर रहे हैं, बट आप होप नहीं छोड़े हो, आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, जबकि इस पर्सन ने आपसे क्लियरली कह दिया है कि इस रिश्ते का एंड हो क्या है, बट आप उम्मीद नहीं छोड़े हो, इंतज़ार करना नहीं छोड़े हो, इनको प्यार करना नहीं छोड़े हो,
अगर आप पॉजिटिव रहते हो इस रिश्ते को लेकर, होपफुल रहते हो, आपकी एनर्जी सही है, किसी के लिए कोई गलत सोच नहीं है, थॉट्स नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, आप पॉजिटिव हो, जो आपकी एनर्जी है काफ़ी पॉजिटिव है, आपका लव ट्रू है, तो ये पर्सन आपकी ओर लौट आएंगे। ठीक है, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी ओर लौट आएंगे अगर आपका प्यार सच्चा है तो। अगर आप गिव अप नहीं करते तो इस पर्सन में चेंजेस आएगी, इस पर्सन के एक्शंस आपके लिए ज़रूर होगा। ठीक है, और कुछ लोग लिए जैसे कि मैंने आपको कहा, ये पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं आपके आने का। ठीक है, ये मुझे इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके प्रपोजल्स का, आपके आने का, कम्युनिकेशन का, मिलने का, मीटिंग का, एक्शंस का, रिएक्शंस का। अगर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है तो ये पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और अगर इस पर्सन को एक्शन लेने की ज़रूरत है तो आपको वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, अगर आप होपफुल रहते हो, गिव अप नहीं करते, आपका प्यार ट्रू है, तो ये पर्सन लौटेंगे आपकी ओर, और आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, आपके लिए एडवाइस कार्ड क्या है चेक कर लेते हैं। इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। इनोशेंस, जो आपका बिहेवियर है, जो रियल आप हो, उसको मत खोइए। आप रियल में क्या हो, काफ़ी मासूम, काफ़ी इनोशेंट। ठीक है, आप अंदर से परिपक्व हो, मैच्योर हो, आपका इनर चाइल्ड, आपकी मैच्योरिटी, आपकी मासूमियत, आपकी स्माइल, आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपका नर्सरिंग, केयरिंग, लविंग एनर्जी मत खोइए। जो आप रियल में हो, जो आप काफ़ी पॉजिटिव हो, आपकी मुस्कान मत खोइए। ठीक है, यूनिवर्स का मैसेज यही है आपके लिए। तो ये है गाइस आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय, टेक केयर।